अपना अधिकार मांगते हैं, किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते हैं, किसी से भीख मांगते। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। जिंदाबाद। विरोधी नीति बनाने वाले अधिकारी वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। विरोधी नीति बनाने वाले अधिकारी वापस जाओ, वापस जाओ। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान सभा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। रसायक संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद। कुल सचिव गो बैक के लगे नारे, दिखाए गए काले झंडे। 17 नवंबर को किसान सभा का कुसमुंडा गेवरा खदान बंद करने का आह्वान। छत्तीसगढ़ किसान सभा और भू स्थापित रोजगार एकता संघ के नेतृत्व में आज सैकड़ों भू स्थापितों ने कोयला मंत्रालय के सचिव अमृत लाल मीना और एहिसेल के CMD प्रेम सागर मिश्रा के कुसमुंडा दौरे का जबरदस्त विरोध किया। कुसमुंडा खदान जाने वाले मुख्य मार्ग कबीर चौक के पास सैकड़ों की संख्या में भू स्थापित एकत्र हुए और अपने हाथों में काले झंडे लेकर कोल सेक्रेटरी मीना गो बैक के नारे लगाए गए। इस दौरान एहसिल प्रबंधन की सूचना पर कुसमुंडा पुलिस दल बल के साथ मौके पर पहुंची और सभी लोगों को समझाई देते हुए थाने ले गई। जैसा कि आप सभी को पता है, क्षेत्र के भू स्थापित रोजगार की मांग को लेकर लगातार लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। कुसमुंडा में भू स्थापित रोजगार एकता संघ के बैनर तले अनिश्चितकालीन धरना आज 378 दिन पूरे हो गए हैं। तो गेवरा कोयला खदान विस्तार क्षेत्र नरीबोध के पास किसान सभा के नेतृत्व में उन्होंने अपना पंडाल गड़ा रखा है। किसान सभा नेता प्रशांत झा, जवाहर सिंह कंवर, जय कौशिक और रोजगार एकता संघ के रेशम यादव, दामोदर श्याम, रघु यादव आदि ने कहा कि एहसिल प्रबंधन को उत्पादन बढ़ाने से पहले भू स्थापितों के समस्याओं का समाधान करना होगा, अन्यथा कोयला से जुड़े किसी भी अधिकारी और कोयला मंत्री के दौरे का भी इसी तरह से विरोध किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एक ओर वे अपनी भूमि के अधिग्रहण के बाद रोजगार और पुनर्वास के लिए संघर्ष कर रहे हैं, दूसरी ओर ग्रामीणों की बर्बादी और किसानों की लाशों पर इस क्षेत्र में एहसिल अपने मुनाफे के महल खड़े कर रही है। केंद्र और राज्य सरकारों की इस नीति का हर स्तर पर पुरजोर विरोध किया जाएगा। 17 नवंबर को आहूत खदान के महाबंद आंदोलन को सफल बनाने के लिए खनन प्रभावित गाँव में भू स्थापितों और ग्रामीणों की बैठकें शुरू हो चुकी हैं। अब आगे यह देखना लाजमी होगा कि प्रबंधन किस तरह से आंदोलनकारियों पर काबू पाती है। कहीं ना कहीं एहसिल अधिकारियों की अनदेखी की यह परिणाम है कि भू स्थापित इस तरह के आंदोलन करने को मजबूर हैं। कुसमुंडा से ओम गभिल की रिपोर्ट।